तो यार जैसे ना हम बात कर रहे थे पीछे व्हाइल वी वर नॉट लाइव, तो हम बात कर रहे थे एलएमआई की, क्योंकि मुझे पर्सनली क्योंकि चैनल में मैं लाइफ इन कनाडा की बात करता हूँ, तो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो काइंड ऑफ ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि यार कनाडा में आना चाहता हूँ और वर्क परमिट पे आना चाहता हूँ। yeah. मुझे तो ये बहुत पूछते हैं, बट व्हाट हैज बीन योर एक्सपीरियंस? क्या ये लोग पूछने वाले होते हैं इतने या क्या? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तक जितने भी लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है डीएम एज अ डीएम डायरेक्ट मैसेज, वो या तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव प्लान में बैठे हुए कनाडा बस पहुंच जाए किसी तरह, they don't want PR, they don't want work permit, उनको बस लैंड करवा दो और बस उनकी लाइफ सेट है। लाइफ सेट है और जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे आ बैठे हैं उनको तो आज तक आई थिंक फील नहीं हो रहा कि हमारी लाइफ सेट हमारी लाइफ कहीं पे भी जाके सेट हुई है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से भी पहले हम बात करते हैं फॉर पीपल जिनको नहीं पता कि प्रोसेस कैसे चलता है। सो आई हैव सम आइडिया इनटू कि हाउ एलएमआई वर्क्स, तो एक बार वो बात करते हैं, किसी को कुछ होपफुली बेनिफिशियल उसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। So, if anybody wants to ask anything, just drop down in the comments. Definitely. Happy to answer. So, somebody who wants to come to Canada, government ने provision रखी है कि तुम Canada आ सकते हो, but the condition is कि you cannot take a job away from a Canadian. तो सबसे पहली जो priority है, that is that you if you decide to hire someone for an employer की condition क्या है, before you hire somebody, let's say कोई study permit पे हो सकता है या work permit पे हो सकता है, before they hire someone उनके लिए condition है कि पहले कोई Canadian ढूंढो, वो PR भी हो सकता है, वो citizen हो सकता है, right? अगर तुम्हें नहीं मिल पा रहा, then only you can apply for someone जो बाहर से है या इंडिया, मतलब कनाडा से, इंडिया से कोई भी हो सकता है, only then they can, not before that. अब सारा जो प्रोसेस होता है that is handled by ESDC, जो गवर्निंग बॉडी है जो LMI इशू करती है। ESDC, okay, ठीक है। तो ESDC के लिए क्या होता है, you send your application कि मैंने बहुत ट्राई करी है, I was trying to find some within Canada, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ मिला नहीं है। तो ESDC का सिंपल रूल है, अच्छा गिव मी सम प्रूफ कि यू हैव ट्राइड। अब उस प्रूफ में क्या देना पड़ता है, उस प्रूफ में यू हैव टू शो कि मैंने एड्स चलाई हैं, तो मैंने एड्स कहाँ कहाँ पे चलाई हैं, दैट कुड बी न्यूज़पेपर, दैट कुड बी टीवी, रेडियो, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जब तुमने एड चलाई, पहले तो हमें वो प्रूफ दो यू हैव ट्राइड। अब उसके बाद ये तो हो नहीं सकता कि जीरो रिस्पॉन्स आया, किसी ने अटेम्प्ट ही नहीं करा कि मैं जॉब अप्लाई करूं अगर कोई वैकेंसी है तो। सो इफ देयर इज वैकेंसी और कोई अप्लाई नहीं कर रहा है तो दैट वुड बी सस्पिशियस, राइट? अब जो रिज्यूमेज आए हैं, आपको ये भी नहीं हो सकता कि वो रिज्यूमे सारे फॉरेनर वर्कर थे और वहां पे कोई कैनेडियन सिटीजन या पीआर नहीं था। सो यू हैव टू एस्टेब्लिश कि ये रही लिस्ट मेरी, ये लोग थे, इसमें इतने पीआर थे और बाकी रिमेनिंग नंबर इज पीपल जो विद इन कैनेडा अप्लाई कर रहे हैं बट उनका स्टेटस पीआर नहीं है या फिर कोई बाहर से अप्लाई कर रहा है। ओनली देन अगर ESDC इज कन्विंस्ड कि यू हैव पुट इन एनफ एफर्ट्स टू रिक्रूट समवन, दे विल गिव यू द ऑप्शन टू हायर समबडी फ्रॉम आउटसाइड ऑफ कैनेडा। अब कोई अगर मेरे से पूछे कि सर ये वर्क परमिट दिला दो, तो वर्क परमिट डायरेक्टली नहीं मिलेगा, LMIA चाहिए उसके लिए। तो अगर LMIA चाहिए, LMIA इज नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस, इट टेक्स अबाउट 3 months जो एवरेज है। पहली स्टेज इंक्लूड्स कि आप ESDC को एप्लीकेशन भेजते हो, अपनी एड्स चलाने के बाद एड के लिए यू हैव टू रन एड्स फॉर मिनिमम ऑफ 3 months, ठीक है? एटलीस्ट 1 महीने की एड के बाद यू कैन पुट योर एप्लीकेशन फॉरवर्ड कि मैंने 1 महीना अटेम्प्ट करा है, अभी तक कुछ नहीं मिला है, बट आप एटलीस्ट प्रोसेस करना शुरू कर दो। एड में चलती रखूंगा, अगले टाइम में अगले 2 महीने जो मेरे पास बचे हैं उसमें कोई आ गया तो मैं उसको हायर कर लूंगा, बट फिलहाल के लिए आई हैव नोबडी, आई एम, माय वर्क इज सफरिंग, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू get somebody, किसी को अप्रूवल दे दो ताकि वो एटलीस्ट मुझे आके ज्वाइन कर सके एंड काम कर सके. मेरा काम अफेक्ट नहीं होना चाहिए. तो दिस इज हाउ द प्रोसेस वर्क्स. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप होता है. परमिशन लेनी पड़ती है. गवर्नमेंट अगर आपको अप्रूव कर रही है देन ओनली यू कैन हायर समवन. और बात यहाँ पे खत्म नहीं होती. दैट इज ओनली हाफ द पार्ट. रिमेनिंग हाफ इज कि जब आपको LMI का अप्रूवल आ गया यू ऑल्सो सबमिट योर एप्लीकेशन टू IRCC. IRCC डिसाइड करता है कि मैंने किसी को वर्क परमिट देना है कि नहीं. उनका अपना क्राइटेरिया हर किसी को असेस करने का. जैसे स्टूडेंट्स के लिए भी तो यू ऑलवेज सी कि रिफ्यूजल्स लगती है ना. हर किसी की एलिजिबिलिटी चेक होती है. वर्क परमिट में भी सिमिलर ही रहता है. हर किसी की एलिजिबिलिटी चेक होनी है. तो देयर इज नो गारंटी कि जस्ट बिकॉज LMI मिल गया वर्क परमिट. एग्जैक्टली. तो दिस थिंग रिमाइंड्स मी ऑफ वन थिंग. जैसे कि आपने बोला कि जैसे बैकग्राउंड चेक होता ही होता है, राइट. इमेजिन एक बंदा है या बंदी है, कोई भी है, जो उसके आवर्स लिमिट से ज्यादा काम कर रहा है या कर रही है. 20 आवर्स की लिमिट है लीगली और वो उससे ज्यादा सिम पे काम कर रही है. मतलब 22, 24, कभी कभार 30 भी जा रहा है. आपको क्या लगता है कि जब वर्क परमिट के टाइम पे IRCC गना डू ऑडिट अबाउट IRCC का? वेरी फ्रेंकली जो अब तक देखा है ना, हाल इनका कैसे रहा है कि बहुत टाइम पे बहुत सारी चीजें ऐसे ना निकल जाती हैं. तो मीनिंग कि अगर वो कह रहे हैं तुम चोर हो, तुम तभी चोर हो जब तुम पकड़े गए. That's right, that's right. IRCC इस हिसाब से चलता है. ये तो है. बट यू नेवर नो कि आपका नंबर कब लग जाए, राइट. और अगर नंबर लग गया, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई, फिर यू आर गॉन. फिर PR गई. और ये मैंने आजकल देखा है, वैसे थोड़ा सा ट्रेंड हो गया कि इट्स कैचिंग अप कि लोग अब आ भी रहे हैं ना, जब दे आर कमिंग अप विद मोर GIC कि मैंने काम करने नहीं है स्टूडेंट लाइफ में. स्टडी करो बट आई एस्टेब्लिश माई सेल्फ. इतना मैं अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर लूंगा या अपने लिए लाइफ ऐसी बना लूंगा कि मुझे बाद में स्ट्रगल ना करना पड़े. अब ठीक है, अब स्टडी के टाइम पे आई कैन स्ट्रगल फॉर अ वाइल बट बाद में मुझे किसी तरह की फिक्र नहीं करने की जरूरत. मैंने क्योंकि बहुत देखा आजकल स्टूडेंट में बहुत फेमस है ये चीज कि लाइक आई हैव मेट मेनी स्टूडेंट्स. बहुत लोगों ने मुझे ये चीज बोली है कि यार मेरा फ्रेंड या मेरी फ्रेंड ने भी 20 आवर्स से ज्यादा काम किया था, 25, 25 घंटे, 30 घंटे भी काम किया था बट स्टिल दे गॉट देयर वर्क परमिट. अच्छा, ये भी सुनने में आया है कि IRCC इतनी डम्ब है कि पता नहीं उनका सिस्टम क्या है कि जिसने 2 साल का कोर्स किया है, कॉन्टिन्यूस 2 साल का कोर्स किया, उसको 1 साल का वर्क परमिट मिला है. और जिसने 1 साल का कोर्स किया है असूलन उसको 1 साल का वर्क परमिट मिलना चाहिए बट उसको 3 साल का वर्क परमिट भी मिला है. ये भी हुआ है बट दैट हैज हैपेंड आई थिंक मोर रिसेंटली. ये सब होना शुरू हुआ है कि के टाइम में मिलना शुरू हो गया है कोविड के बाद, क्योंकि इन्होंने एक बार एक्सटेंड करने शुरू कर दिए सबके. तो अभी एक्सटेंड कर ही जा रहे हैं कि चलो नए लोग भी आ रहे हैं तो उनका भी एक्सटेंड हो रहा है. बट अदरवाइज अगर हम बात करें तो कायदे से इफ यू हैव स्टडीड फॉर 2 years और ये मैटर नहीं करता कि 2 साल की एक साथ में स्टडी करी है या एक साल के 2 कोर्सेज करे हैं, तो कायदे से यू शुड गेट अ वर्क परमिट फॉर 3 years. नहीं मिल पाता. आई बिलीव हम जो पहले बात कर रहे थे यू मेंशन कि किसी को नहीं मिला, तो इन सच अ सिनेरियो रियलिटी में इफ एनी ऑफ यू फेस दिस काइंड ऑफ सिचुएशन जहां पे आपको 1 साल का ही वर्क परमिट मिला है व्हाइल यू हैव स्टडीड फॉर 2 years, तो यू कैन रिक्वेस्ट फॉर अ न्यू वर्क परमिट. दोबारा से एप्लीकेशन वापस से लगा दो अपनी. एक्सप्लेन कि मेरी स्टडी 2 साल की है एंड इट इज फ्रॉम द पब्लिक कॉलेज. ये मेरा परमिट आया है और इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 साल का परमिट इशू करा है मुझे. सो आई बिलीव देयर वाज समथिंग मिसिंग. अगर मेरे एंड से मिसिंग है तो लेट मी नो, अदरवाइज आई थिंक आई एम एलिजिबल फॉर 3 year वर्क परमिट. तो वो दे देंगे. इट्स नॉट अ बिग डील, मिल जाएगा. बट ठीक है, हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन में भी हो, तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट. नहीं, बैक टू जो मैं बात कर रहा था ना, LMI की बात कर रहा था. बट इफ यू वांट टू ऐड समथिंग टू ऐड कि ये जो ट्रेंड बना हुआ है ना, आई वांटेड टू मेक अ वीडियो, अ फुल वीडियो दो नंबर का जो काम चलता है ना इलीगल एलएमआई का, वो कोई खुल के नहीं बताता, बट लेट मी एक्सप्लेन, किसी को रियलिटी पसंद आए या नहीं आए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आप कभी किसी से एलएमआई लेने जाओगे ना, जो दो नंबर में बेच रहे हैं, सो दे विल से कि 40,000 लगेगा जी, 50,000 लगेगा, ठीक है। उसके आगे बात नहीं करेंगे, एंड यू फील कि अच्छा 50,000 है, ठीक है, एक बार दे दूंगा, जाके लाइफ सेट हो जाएगी शायद, है ना, कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। दे नेवर शेयर द पार्ट, स्पेशली जब कोई इंडिया से आ रहा है, कि वहां पे जाके आगे चीजें कैसे काम करनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या चल रहा होता है कि जॉब रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, तो इट्स ऑन द पेपर्स ओनली, ठीक है। और एलएमआई के लिए व्हेन यू हायर समवन, जब आप कह रहे हो कि मुझे इस जॉब के लिए कोई मिल ही नहीं रहा, तो फिर ये भी नहीं हो सकता आप किसी को स्पेशली बाहर से हायर कर रहे हो और उसे बोलो कि वेज भी मैं मिनिमम दूंगा, ठीक है, you'll have to pay more। अब करते क्या है एलएमआई के टाइम पे, सिंस यू हैव टू पे मोर, टैक्सेस भी उस हिसाब से कटेंगे। जो पेपर्स में टैक्सेस कट रहे हैं वो कट रहे हैं $25 के हिसाब से, और क्योंकि रियलिटी में वर्क तो एग्जिस्ट कर नहीं रहा। यू कम टू कनाडा, बोलते हैं देखो भाई मेरे पास काम नहीं है, आपको कनाडा बुलाना था वो हमने बुला लिया, अब काम अपने आप अपना देख लो, है ना, हो गया। और जब वर्क परमिट पे कोई आया तो इट्स अ क्लोज्ड वर्क परमिट, तो आप पे काम तो कर नहीं सकते, तो इफ यू कांट वर्क एनीवेयर एल्स, ऑप्शन क्या बची, कैश पे काम करना है। वो पहले ही दो नंबर की चीज है, पहले एक तो कर ही ली ना जब पैसे दे के आए हो, दूसरी तब कर ली जब बोल दिया कि मैं कैश पे काम कर लूंगा। अब कैश पे काम कर रहे हो तो जो एम्प्लॉयर्स बैठे हैं वो भी तो अपने आप शाणे है ना, कि पता है कैश पे काम कर रहा है, मैं क्यों दूं भी तुझे, वो बोलेगा मैं भी दूंगा, $9 दूंगा, $10 दूंगा, करना करो, नहीं तो मेरे पास लाइन पड़ी है। भाई आप मजबूर हो, आप मजबूर, राइट। नाउ इमेजिन अ लाइफ जहां पे आप $10 घंटे के कमा रहे हो, लाइफ इज हैपनिंग, खर्चे तो रुकेंगे नहीं, खाना भी खाना है, जो ट्रांसपोर्ट है वो भी है, और बाय गॉड जो कनाडा में रेंट्स की हालत हो रखी है वो तो अलग ही है, ठीक है। उस सब के बाद जो एम्प्लॉयर बोल रहा है अच्छा जी क्योंकि पेरोल चल रहा है और तो कुछ है नहीं बीच में, तो दिल जो टैक्सेस पे करेंगे वो दिल आस्क की टैक्सेस हमने आपके बिहाफ पे पे करे हैं, मेरे एंड से भी जो मेरा पोर्शन गया सारा वापस दे दो मुझे। सो इमेजिन $25 के हिसाब से टैक्सेस कटे हैं आपके, एम्प्लॉयर कह रहा है वो टैक्सेस मुझे दो, आप अर्न कर रहे हो $10, भाई $8-9 तो आपके घंटे के गवर्नमेंट को टैक्सेस ही बन जाएंगे, तो $2 के लिए काम कर रहे हो यहाँ पे। अब बताओ $2 में खाओगे क्या, खिलाओगे क्या, और वापस क्या भेजोगे, करेक्ट, बचेगा ही कुछ नहीं। जब तो बंदा पैसे किसी को कहाँ पे भेजेगा, बोले कि मैंने घर पे पैसे भेजने हैं, तो यू वॉन्ट हैव इनफ मनी, अपने खाने के लिए नहीं रहता, तो लाइफ वुड बी मिजरेबल, राइट। और फिर दो नंबर का काम करने वाले तो अलग ही लेवल पे बैठे हैं लोग। लाइक आई वाज शेयरिंग कि मेरे कोई अपने नॉन में ही थे, एंड शी वाज ऑफर्ड अ जॉब, तो कोई सुन रहा है कोई एलएमआई का प्लान कर रहा है, तो यार ये चीज पे जरा जरूर ध्यान देना प्लीज, दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, सो है ना, इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। तो समवन आई नो पर्सनली, तो दे सेड कि दे हैव बीन ऑफर्ड अ जॉब इन कनाडा, बोल रहे हैं कि जी हरमन यहाँ से किसी ने ना जॉब ऑफर करी है, तो आई एम थिंकिंग कि ले लेनी चाहिए, ठीक है जी अगर कोई दे रहा है। दे मेंशन कि चार्जेस को ज्यादा नहीं मांगे, आई बिलीव 4 से 5 लाख बोला होगा। मैंने कहा ये तो बहुत ही सुपर अपॉर्चुनिटी है वैसे, बट 4 से 5 लाख किस चीज का, एलएमआई दे रहा है वहां से कोई बैठा, ठीक है, इंडिया से, ओके। मैंने कहा 4-5 लाख तो कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, तो हो सकता है बंदा वैसे जनरली फीस ही ले रहा हो अपनी, है ना, और बाकी मैंने कहा ठीक है ऑफर लेटर आप दिखा दो, क्या ऑफर लेटर। सो द पर्सन सेंट मी द ऑफर लेटर, और उस पे लिखा हुआ है कंपनी की इंफॉर्मेशन, कंपनी एग्जिस्ट इन इंडिया एंड यूएसए, ओके, कनाडा में एग्जिस्टेंस नहीं है। सो कोई ऐसी सिचुएशन हो, सबसे पहले कभी कोई ऑफर करे ना, आपको जॉब ऑफर करे, तो आई वुड से कि कोई भी एलएमआई ट्राई कर रहा है, दो चीजें पहले सर्च करनी चाहिए। बहुत सिंपल सी सर्च है, पहले गूगल पे सर्च करो कॉर्पोरेशन कैनेडा, ठीक है। कॉर्पोरेशन कैनेडा पे जाओगे, यू कैन गो देयर, कंपनी का नाम डाल सकते हो, यू विल फाइंड इन्फॉर्मेशन ऑन द कंपनी कि कहाँ एग्जिस्ट करती है, कौन डायरेक्टर है, एड्रेस क्या है, नाम क्या है, सारी इंफॉर्मेशन वहां पे आ जाएगी। वेरी सिंपल सर्च। उसके बाद गूगल मैप पे तो हर कोई चेक कर सकता है ना लोकेशन, कि कंपनी की लोकेशन कहाँ है। एटलीस्ट आई कैन चेक कि किसी खंडर पे दिखा रहा है गूगल मैप, या फिर एक्चुअली कोई बिल्डिंग है, या अगर कोई ऑफिस कह रहा है तो ऑफिस लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है, है ना, रेंडमली कुछ तो नहीं है ना। दिस इज वेरी सिंपल, समथिंग दैट एनीबडी कैन डू। आप सिर्फ जाके चेक कर सकते हो कि है क्या है यहाँ पे। अच्छा, ये सब नहीं करा तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि वो ऑफर लेटर में दो एड्रेसेस दे रखे हैं, कि एक इंडिया का आ गया, एक यूएस का आ गया, तो कनाडा का तो एड्रेस ही नहीं है। तो अगर कंपनी कनाडा में एग्जिस्ट नहीं करती तो हाउ कैन दे ऑफर यू अ जॉब, राइट। तो कोई किसी को जॉब ऑफर करे और बताए कि कनाडा में तो हमारा एड्रेस अभी नहीं है, हम एस्टेब्लिश करने की ट्राई कर रहे हैं, तो हाउ आर यू एबल टू इश्यू एन एलएमआई, राइट। तो वो वाला तो ऐसा कोई रेड फ्लैग दिखे तो पहले दूर भाग जाना कि नहीं, मुझे नहीं जाना। एंड देन उसी स्टोरी का आगे कंटिन्यूशन में कि इवन व्हेन आई सेड कि ये कनाडा में एड्रेस नहीं है इनका, थोड़ा फिशी लग रहा है, रेड फ्लैग्स हैं, तो जरा सोच समझ के करना। दे स्टिल एंडेड अप गोइंग फॉर इट, और मुझे थोड़े दिनों में बताया कि हाँ जी, माय एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड और थोड़े दिन में रिजल्ट आ जाएगा। मैंने बोला बायोमेट्रिक्स हो गए, तो जैसे नहीं बायोमेट्रिक तो नहीं है। मैंने कहा वो क्यों नहीं हुए, क्योंकि रिक्वेस्ट तो आ जाती है, विद इन 24 नहीं आएगी तो 48 आवर्स में आ जाएगी, इससे ज्यादा टाइम तो लगता नहीं है। आगे से द वे उनको जो बंदा स्कैम कर रहा था उसने कन्विंस कर रखा था कि बायोमेट्रिक तो तब आएंगे ना जब जाना है, उससे पहले क्या काम, अभी क्या जरूरत है आपको, अभी क्या जरूरत है, right. So that is what that person was told. तो उनको लगा शायद जेन्युइन ये बंदा मेरे जान पहचान का बंदा है, तो I worked with him before, तो ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो दे रहा है ठीक है, शायद हरमन ने कुछ गलत बता दिया हो। Okay. Now the funny part is, उसके बाद they said application सबमिट होगी, सारा कुछ डन है। मैंने कहा ठीक है, आप कंफर्मेशन आ गई होगी आपको। So the letter I was sent as a confirmation specifically said कि IRCC का पूरा जो लेटर आता है आपको एग्जैक्टली वही लेटर जो स्टडी परमिट पे देखा होगा या वेस्टर्न वीजा पे देखा होगा, एग्जैक्ट सेम लेटर, उसपे जो लैंग्वेज लिखी हुई है। अच्छा, मैंने आई ऑल्सो नोटिस फॉन्ट कौन सा यूज करा, okay. ठीक है, फॉन्ट भी थोड़ा ऑड लगा कि दिस इज नॉट द फॉन्ट, क्योंकि तुमने जब चार एप्लीकेशंस देखी हो तो यू नो कि फॉन्ट भी कौन सा होता है। एक तो फॉन्ट ऑड लगा मुझे, सेकेंड उसकी जो लैंग्वेज लिखी हुई थी, लिखा हुआ था कि प्लीज ट्राई नॉट टू कॉन्टेक्ट अस मल्टीपल टाइम्स बिकॉज दैट कैन डिले योर एप्लीकेशन। ओह वाओ, ठीक है। अच्छा, कि आईआरसीसी वुड नेवर डू दैट, ये लेटर पे लिखा हुआ था। अमेजिंग, ठीक है। आईआरसीसी वुड नेवर टेल यू नॉट टू कॉन्टेक्ट देम, ऑब्वियसली ऑब्वियसली, राइट, बट दैट हैपेंड। और उसके बाद जो यूसीआई नंबर है, यूसीआई नंबर रैंडमली स्टार्ट करा हुआ था, आई बिलीव इट वॉज स्टार्टिंग फ्रॉम 3 something। और अगर कोई भी जो वीडियो देख रहा है, आप अपनी जरा अपना कोई पासपोर्ट या अपना परमिट उठा के देखो आपका यूसीआई नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। मोस्टली 1-1 की सीरीज चल रही है आजकल, मैं भी देख लूं एक बार, हाँ। जरूर 1-1 की सीरीज चल रही होती है, और ये भाई साहब 3 सीरीज इनको 3-3 something सीरीज पहले से चला के बैठे हैं। ओह माय गॉड, ये ठीक है, जो सीरीज चल ही नहीं रही, कुछ ज्यादा फ्यूचर में आगे जा चुके हैं ना वो, तो जो सीरीज चल ही नहीं रही वो सीरीज दिखा रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो उस केस में एंड आई ऑल्सो नोटिस कि आईआरसीसी जब भी कोई कम्युनिकेट करता है ना आपके साथ, कोई भी लेटर आएगा जो जैसे सबमिशन कंफर्मेशन आती है, या फिर इन कनाडा अप्रूवल लेटर आता है कोई, तो हर फॉर्म के नीचे ना एक यू विल फाइंड आई एम एम समथिंग होगा, अच्छा ठीक है, दैट इज देयर टेम्पलेट कि अगर हम ये इशू कर रहे हैं आपको, अगर वर्क परमिट इशू कर रहे हैं तो ये फॉर्म नंबर होगा, अगर स्टडी परमिट है तो ये फॉर्म नंबर होगा, तो टेम्पलेट बना रखे हैं। मतलब इट्स वेरी ऑब्वियस थिंग कि हर बार कोई टाइप नहीं कर रहा है इतना बड़ा मैसेज, ऑलरेडी टाइप्ड, ऑलरेडी सारा टेम्पलेट बना हुआ है। दे जस्ट नीड टू सिलेक्ट कि कौन सी एप्लीकेशन के साथ कौन सा टेम्पलेट जाना है। तो वीजा ऑफिसर कुछ भी टाइप नहीं करता मैनुअली, दे जस्ट सिलेक्ट कि अगर मैंने रिफ्यूज भी करना है तो ये टिक कर दिया मैंने, रीजन स्टैंडर्ड है, टेम्पलेट है, वो चला गया। अब रिफ्यूजल लेटर का भी एक टेम्पलेट नंबर है, okay. तो वही टेम्पलेट नंबर के ऊपर ये सारा जो सबमिशन डाली हुई थी, तो पूरा फोटोशॉप्ड है, उसके ऊपर ये इंफॉर्मेशन डाली हुई है। अब मुझे ये देखा, मैंने कहा ये देखो, ये 3-4 फ्लैग्स हैं, आप ये उस बंदे से पूछ लो। मैं तो कह रहा हूँ कि 100% स्कैम है। आपको पूछना है, अपनी तसल्ली करनी है, पहले तो ये फॉर्म का नंबर डाल के देखो गूगल में क्या आ रहा है अपनी तसल्ली के लिए, यू चेक इट, और उसके बाद देखो आपको आगे उस बंदे के साथ बात करनी है कि नहीं करनी है। दैट इज टोटली अप टू यू। मेरे पैसे नहीं जा रहे, बट यू आर रिलेटेड, तो गुड हेड्स अप, ठीक है। हाँ जी, फिर उन्होंने चेक करा, यस दे गॉट द कंफर्मेशन कि हाँ कुछ ना कुछ 2 नंबर का स्कैम है। उसके बाद व्हाट दे ट्राइड कि चलो इस बंदे को बुलाते हैं, उससे बात करते हैं। अब दिमाग में थोड़ा बंदे के होता है ना कि अब किसी को कन्फ्रंट कर रहे हैं तो आगे से क्या रिएक्ट करेगा, यू हैव नो आइडिया। तो रीइंफोर्समेंट होनी चाहिए, तो किसी 1-2 बंदे को बीच में बिठा लेना चाहिए, कोई मॉडरेटर होना चाहिए। सो दे डिड दैट, सामने बैठ के किसी के सामने बात करी। विद इन अ फ्यू मिनट्स वो बंदा फ्लिप कर गया, अच्छा ये मेरी ना लीगल टीम ने कुछ गलत करा है, मैंने कुछ नहीं करा, आपको तो मैं जानता हूँ कब से, मैं कर सकता हूँ ऐसा आपके साथ, नहीं मैंने कुछ नहीं करा, ये डेफिनेटली मेरी लीगल टीम में ना मुझे कोई धोखा दे रहा है। अरे वाह क्या बात है, मुझे धोखा दे रही है मेरी टीम ने, हाँ। और आपका जो 4-5 लाख लिया था मैं अभी वापस करता हूँ, बैठे बैठे उसने फिर ई ट्रांसफर करके वापस कर दिया। बट इट इज वेरी इजियर फॉर पीपल टू गेट स्कैम्ड, क्योंकि लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। बिल्कुल, जितना इजी लगता है ना कि LMIA पता नहीं ऐसे इशू हो जाती है, इतनी इजीली मिलता नहीं है, और इसीलिए ये धंधा बन रखा है कि लोग 40-40, 50-50 हजार डॉलर पे कर रहे हैं। भाई सीरियसली, लाइक मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा, मेरे साथ नहीं मैं वैसे ही बहुत बोल रहा हूँ। हाँ नहीं, मतलब मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि मेरे साथ जो स्टूडेंट्स हैं और जितने लोग, इस बच्चों को मैं अभी तक मिला हूँ, इतना ज्यादा बुरा हाल है और इतना ज्यादा हॉट टॉपिक बन चुका है ये LMIA। यू नो व्हाट फॉरेनर कैनेडियन कॉल्स इट, दे कॉल इट लीमिया, राइट? इट्स नॉट LMIA, इट्स लीमिया। तो पंजाबी बच्चे, गुजराती बच्चे जो नहीं ज्यादा क्वालिफाइड हैं, जो ज्यादा नहीं प्रिविलेज्ड हैं, LMIA, एवरीथिंग इज LMIA। सो व्हेन दे लैंड इन कनाडा, सिंस द फर्स्ट डे उनका टारगेट यही है कि $30,000 या $40,000 तक का, तो वो लगा के चलो कि वो LMIA कहीं से लेंगे, चाहिए, ठीक है। आपका कोई इमरजेंसी फंड गया भाड़ में, फाइनेंशियल प्लानिंग गई भाड़ में, आपकी सब गया भाड़ में, LMIA इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑब्वियसली LMIA तो इट्स अ हॉट टॉपिक। पीआर कैसे कराएंगे? हम तो ज्यादा है नहीं इतने प्रिविलेज और इतने ज्यादा ओवर क्वालिफाइड कि भाई हमें कोई आगे जॉब। LMIA, अब इस LMIA का फायदा लोग ऐसे उठाते हैं जैसे आपने बताया, दे हैव ओपन रेस्टोरेंट्स जहाँ पे बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, जहाँ पे कम वेजेस पे बच्चों को क्या क्या किया जाता है, मतलब यू प्रीटी मच नो, राइट? एंड एवरीबॉडी नो। और इतना ज्यादा बुरा हाल है, छोटी छोटी उम्र के बच्चे, लाइक दे आर नॉट इवन 20, 21, इतने उम्र के बच्चे डिप्रेशन में है, जस्ट बिकॉज कम वेजेस पे उनको काम कराया जा रहा है उनसे, जस्ट बिकॉज क्योंकि LMIA, आप क्लोज वर्क परमिट पे हो और आप मेरे गुलाम, आपको वही करना पड़ेगा जो मैं बोलूँ। और ये स्पेसिफिक मैंने ना बहुत लोगों से सुना भी है कि एम्प्लॉयर ना, मतलब सही में समझते, एक तो पैसे ले रहे हैं, सेकंड बहुत सारे लोगों को ऐसे ट्रीटमेंट मिलता है कि जैसे हमने खरीद लिया है, लिटरली ऐसे ट्रीटमेंट मिलता है कि खरीद लिया है, तुम तो गुलाम आए हो ना मेरे, क्योंकि उनको पता है कि क्लोज वर्क परमिट है तो 1 साल तो ये बंदा कहीं जाने से बस, ठीक है। तो मतलब ये तो भूल ही जाते हैं कि ये बंदे ने आपको पहले पे करा है, इट्स टोटली इलीगल, एग्जैक्टली, बट नाउ यू आर ट्रीटिंग देम लाइक कि ये मेरे स्लेव्स हैं। मॉडर्न स्लेवरी है। और वो बच्चा भी कुछ कर नहीं सकता है, कर नहीं सकता बिकॉज इफ दे फील कि मैं छोड़ दूंगा फिर टेंशन हो जाती है पीआर कैसे आएगी, और जब कंसल्टेंट को बोलोगे कि नहीं नहीं मेरी सेटिंग नहीं बनती, वो बोलेगा अच्छा ऐसे करो कहीं और एलएमआई दिला देता हूँ, इस बार 40 नहीं लूंगा, इस बार 30। एग्जैक्टली दे डू। अच्छा मुझे कभी कभार लगता है कि इस चीज में स्टूडेंट्स की भी बहुत बड़ी गलती है। लाइक देयर वाज अ गाय केम अक्रॉस एंड उसका सीन क्या था कि ही बिलोंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज फ्रॉम पंजाब, ठीक है, पंजाब से था, एंड उसके लेग में ना कोई इंजरी हो गई थी। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा ब्रो गो टू द हॉस्पिटल, गेट योरसेल्फ डायग्नोसिस या जो भी है, एंड देख क्या मतलब तेरा कहीं लात तो नहीं टूट गई, तू काम ही ना कर पाए, पता लगा सारा कुछ ही भूल जाए, क्या क्या करेगा। ही वेंट टू हॉस्पिटल, गेट हिमसेल्फ असेस्ड। भाई साहब वहाँ पे हॉस्पिटल में बता रहे हैं नर्स और डॉक्टर्स ये कि मतलब कुछ $1,800 का खर्चा है, ही नीड्स टू हैव अ प्लास्टर ऑन हिज लेग। अब मैंने उसको बोला, मैं क्या ब्रो $1,800 तो कोई बात नहीं, हो जाएगा जुगाड़, तू ऐसा कर तेरे कॉलेज की फीस में मेडिकल इंश्योरेंस होता है, करेक्ट? कहता ओके हुंदा। मैं क्या ब्रो मेडिकल इंश्योरेंस तुम्हारे कॉलेज की फीस का पार्ट होता है? कहता नहीं ब्रो बीमा बूमा नहीं कराया होया। मैं क्या ब्रो बीमा नहीं है वो, इट्स अ थिंग दैट इज इंक्लूडेड इन योर फीस दैट यू कैन अटेन, और अपने कॉलेज को तुम हक से पूछ सकते हो क्योंकि तुम 20 लाख रुपए भर के आए हो, करेक्ट? अच्छा मैंने उसको थोड़ी सी हेल्प करी सिर्फ ये यहाँ तक पहुंचाने में कि उसके कॉलेज का मेडिकल इंश्योरेंस एग्जिस्ट करता है। मैंने दिखा भी दिया, मैंने कहा ये देख, ये सुपर प्राउड करके कोई कंपनी है जो तुझे मेडिकल इंश्योरेंस दे रही है, तुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ कॉल कर उनसे पूछ इसमें क्या होता है। He told me यार ब्रो छाड़ यार कि यार अंग्रेजी च गल करनी पैनी है, मैं 1800 दे दूंगा कोई चक्कर नहीं। Can you imagine? That is new. He is ready to pay $1,800 but he's not able to speak in English and ask them कि उसके medical insurance में क्या-क्या है। ये ना इसीलिए ना थोड़े दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी कि it is not a good news कि SDS के लिए criteria ease कर रहे हैं, not because जब हम बात कर रहे हैं कि if people are not able to communicate, how would they survive outside of Brampton, Surrey और Exactly. Now here we are not trying to like किसी community को हम discriminate नहीं कर रहे या किसी को भी discourage नहीं कर रहे। It's just that कि मैं as a student के उससे बोल रहा हूँ कि अगर मैं as a student हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ के peers भी वही mentality रखें जो मेरे पास है, या at least they should know their whereabouts, right? What they have, what right? यार किसी गोरे से बात करके देखो जरा, चाहे वो बच्चा ही हो, the moment you talk to them ना कितने rights उनको अपने पता होता है। ये राइट है, ये राइट है, वो हमें एज इंटरनेशनल स्टूडेंट ही नहीं पता। अब किसी तरह वो लड़का जिसकी मैं बात बता रहा था वो 15 लाख पता नहीं 12 लाख रुपीस दे के आईएलटीएस क्लियर करवा के कैसे तैसे कनाडा पहुंचा, एंड नाउ ही इज स्टक बिकॉज़ $1,800 वो दे सकता है बिकॉज़ ही इज समवेयर वर्किंग ऑन कैश, और 1800 का जुगाड़ है बट इंग्लिश में बात नहीं कर सकता क्योंकि एम्बैरेसमेंट होगी। तो सोचो यार कितनी ये चीज है कि मतलब एटलीस्ट स्टूडेंट शुड नो कि भाई क्या चल रहा है, वो क्या क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। एंड कुछ बातें ना जैसे ना इंडिया में तो होता है ना कि घर पे बोलते हैं अच्छा कभी कभी करेले का जूस भी पीना चाहिए, हाँ जी, सेहत के लिए अच्छा होता है। तो वही हाल है कि कुछ बातें कड़वी होती हैं बट पता होनी चाहिए, और इट इज अ ट्रू फैक्ट कि तुम सारे के सारे लोग अगर 2-4 सिटीज में ही सारे आ जाओगे, जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो धीरे धीरे खराब होंगी। बिल्कुल होंगी, और वही सारी वीडियो सर्कुलेट कर रही है हर जगह पे कि 2 जॉब्स हैं और उसके पीछे 200 बंदा खड़ा है। एक्चुअली इंडिया वाला हाल हो गया, बिल्कुल हो गया सर। अब इंडिया को हाईलाइट इसलिए क्यों नहीं करते क्योंकि इंडिया इज नॉट अ हॉट टॉपिक बट कनाडा इज अ हॉट टॉपिक। तो मतलब ये ट्रूथ बी टोल्ड अगर लोग सिर्फ और सिर्फ ब्रैम्पटन से दूर चले जाएं थोड़ा सा, बहुत ये किसी को एलएमआई लेनी हो ना तो एम्प्लॉयर सस्के देते हैं, बोलते हैं हमारे पास यार लोगों की बहुत कमी है तुम आ जाओ, विल सपोर्ट योर पीआर, बट कोई जाके राजी नहीं है। आई वाज इन पीटरब्रो फॉर लाइक 8 मंथ्स। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस फॉर पीटरब्रो कि वहां पे जॉब सिचुएशन कैसी थी? बिकॉज इट्स आउटसाइड ऑफ GTA, GTA. तो वर्क एनवायरनमेंट कैसे था या फिर जॉब की क्या सिचुएशन थी? देखो, इनिशियली इट वाज हार्ड फॉर मी टू गेट अ जॉब, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एज अ हॉस्पिटल सिक्योरिटी, इन हॉस्पिटल सिक्योरिटी. वो मुझे किसी लिंक्डइन या इंडीड या किसी वैसे नहीं मिली, किसी एजेंसी के थ्रू जाके नहीं मिले, वो मुझे सोलली एंड सोनली बात करके नेटवर्किंग के थ्रू मिली. So there was an networking is important for sure. It's Canada में networking चाहिए बहुत ज्यादा, है ना. उसके साथ साथ लोगों को जो लगता है ना कि शायद पता नहीं बाहर जाके क्या ही हाल बनेगा, मैं बताना चाहता हूँ, guy whom I know personally, he's back from India, जान पहचान का है, तो he also came as a student. हाँ जी, ठीक है. तो he decided कि यार मेरा यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा, तो I'll move to Yellowknife. Where? Yellowknife. Okay. ठीक है. अभी Yellowknife चला गया, अभी Yellowknife का ठीक है evacuation चल रही थी because wildfires की वजह से he had to move from Yellowknife to वो Calgary चला गया था just to be safe. अब he's back there. तो I asked him कि यार all the way Yellowknife, why would you go there? दुनिया को तो पता भी नहीं होगा, है ना, it's very far. मैं या फिर जॉब सिचुएशन क्या है, तो हिज रिस्पॉन्स वाज, कहता है मुझे तो सुपरवाइजर रख लिया आते किसी ने, आई एम सॉर्टेड. मैं कहा फिर हमारे लोग कितने हैं, कहता स्टूडेंट आने लग गए हैं, तो आई थिंक कि 1000-1200 लोग होंगे टोटल. ठीक है, तो इट इज नॉट अ बिग नंबर एट ऑल, नॉट एट ऑल. राइट. और वहां पे जाते अगर सुपरवाइजर कोई बन रहा है, तो पहले तो उसका स्कोप बन रहा है उसकी पीआर के लिए, सेकंड इट इज अ प्लेस जहां पे, अच्छा फिर मैंने क्वेश्चन सेकंड जो पूछ लिया कि अच्छा कैसे लग रहा है ओवरऑल, कैसे लिविंग भी कैसे है, जॉब तो चलो एक चीज हो गई, रहना कैसे है, दैट वे प्रिटियर देन टोरंटो. अपेरेंटली एवरीथिंग इज you just go out of outside GTA and you will find out there are places जो बहुत ज़्यादा अच्छी, सुंदर, affordable, less tax हैं, just करनी है दुनिया में. So he said कि weather अच्छा है, घूमने के लिए सारा अच्छा है, at least that is what I'm finding right now. सर्दियों में थोड़ा अलग हो जाए तो अलग बात है. Living expenses का कहता है बहुत drastic difference था. वहाँ पे कहता है मैं, मेरी एवरेज स्कारबरो में रहता था वो, स्कारबरो में कहता है एवरेज मेरी $250 की गैस लगती थी, यहाँ पे कहता है कंपैरेटिवली $70 का रह गया मेरा एक्सपेंस. एक तो सिटी छोटी है और सारा कुछ आसपास में है, तो वो कम होगी कॉस्ट. इंश्योरेंस का तो लोगों को बहुत ही अलग फर्क दिखता है, कहता है $150 है. मैंने कहा यहाँ पे कितनी थी, यहाँ पे कहता है $550. ये तो है, ठीक है, ये तो मतलब ये शापेते जगह हैं, ये स्कारबरो, मिसिसागा, ब्रैम्पटन के, और हर कोई आना भी यही चाह रहा है, आना भी यही चाहता है, क्योंकि अपने लोग हैं ना यहाँ. इमेजिन समवन कमिंग टू यू एंड, ऐसे मेरे को ना कोई मिला, कहता भैया आप हेल्प कर सकते हो मेरी, मुझे कॉलेज वगैरह ना चेंज करना है, तो इफ यू कैन हेल्प मी विद समथिंग. मैंने कहा ठीक है बताओ क्या हुआ. कहता मेरा ना कॉलेज यहाँ से बहुत दूर हो गया. कहता दूर हो गया मतलब कैसे दूर हो गया? कहता है मेरा कॉलेज ना नॉर्थ बे में है. क्या ओके, तो यहाँ से कहता जाने में 5-6 घंटे खराब हो जाएंगे वन साइड पे. क्या वो डेफिनेटली नॉर्थ बे तो बहुत दूर है ना, तो मतलब प्रॉब्लम क्या है? कहता यहाँ पे चाहिए, यहाँ से ब्रैम्पटन से वो बहुत दूर है. मैंने कहा आए कहाँ पे थे, मतलब व्हेन यू अप्लाइड फॉर अ कॉलेज व्हाट वाज योर इंटेंशन कि कहाँ जाना है मुझे, है ना. जब आए नॉर्थ बे के लिए थे, अब ब्रैम्पटन से ये दूर कैसे हो गया? ब्रैम्पटन शुड बी अवे फ्रॉम नॉर्थ बे, नॉट द अदर वे अराउंड कि अब कॉलेज मेरा दूर हो गया. एग्जैक्टली, है ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों का. आया हूँ मैं, तो मैं ब्रैम्पटन में आया हूँ, मैं नॉर्थ बे कॉलेज मेरा, आई डोंट केयर, लंडन कॉलेज है, मुझे नहीं जाना, मैं तो ब्रैम्पटन में आया हूँ ना. कैनेडा एग्जिस्ट ही यहाँ पे करता है, ये तो मुझे किसी और कंट्री में तो खेल रहे हैं ऑब्वियसली भाई. ब्रैम्पटन, मिसिसागा, स्कारबरो, टोरंटो, यही है सिर्फ कनाडा, इससे ज्यादा कनाडा नहीं. सारे लोग यहीं पे इकट्ठे हो रहे हैं, और इसीलिए आजकल टिकटॉक भरा पड़ा है वीडियो से, जहाँ पे पीपल हैव स्टार्टेड कंप्लेनिंग कि हम स्टूडेंट्स को रखेंगे नहीं. आजकल तो कब्जा करने की बातें आ गई हैं कि लोग घुस रहे हैं और घर छोड़ के नहीं जा रहे. ऑब्वियसली यू आर मेकिंग एन इमेज जो बहुत लंबे टाइम के लिए रहने वाली है। इमेज से मुझे एक बात याद आई, आई वॉज डूइंग अ डिलीवरी जॉब व्हेन आई वॉज इन पीटरबरो, ये लास्ट ईयर सितंबर की मैं बात कर रहा हूँ। तो आई टॉक 407 407 पे बाय एनी एक मतलब मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ कि कोई मुझे ओवरटेक करने का ट्राई कर रहा था, मुझे एग्जिट लेना था, तो साथ साथ ही उसने मेंटेन रखी स्पीड और मुझे वो हरास करने लग गया, मेरे को एग्जिट नहीं देने दे रहा था, तो मैंने थोड़ा ओवर स्पीड कर दिया, ओपीबी पुल्ड मी ओवर, और मुझे रोक के उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली, यू सीम लाइक फ्रॉम ब्रैम्पटन। लाइक नो नो सर, आई प्लीज चेक माय लाइसेंस, इट्स फ्रॉम पीटरबरो, आई डोंट बिलोंग फ्रॉम ब्रैम्पटन। तो वो इमेज सोच रहे हो आपके ब्रैम्पटन स्टेरियोटाइप बन गया ना, बहुत ज्यादा स्टेरियोटाइप बनना शुरू, बहुत ज्यादा कि ब्राउन पीपल they have created mess, they have took over Canada and everything. It is so मतलब disheartening कि ऐसा हो रहा है, I don't know क्यों, and लोगों को पता भी इस चीज के बारे में, but still they are not taking any kind of action. Correct. पर मतलब कोई आ रहा है तो I would strongly advise कि अगर आप आ रहे हो तो ये सोच के आओ कि मेरा फ्यूचर कहाँ पे है। Exactly. और फ्यूचर शुड नॉट बी जस्ट बड़े बड़े अक्षरों में ब्रैम्पटन, योर फ्यूचर शुड बी कि मैंने आके करना क्या है। Exactly. और मेरी लाइफ का बनेगा क्या, क्योंकि आजकल ऐसे भी बहुत लोग हैं जो वापस जा रहे हैं, दे वांट टू गो बैक बिकॉज मेरी यहाँ पे सेटिंग नहीं आ रही, और सेटिंग क्यों नहीं आ रही, मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स फाइनेंसेस, हर किसी को फाइनेंसेस ही बग कर रहे होते हैं, इसीलिए लोग भाग रहे हैं, वापस भाग रहे हैं, थोड़े लोग नहीं है, बहुत लोग हैं। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब तुम आओ ये सोच के आओ कि मैं क्या करने आ रहा हूँ। यू आर नॉट कमिंग टू कनाडा कि मुझे उस फ्रेंड के पास जाना है। Exactly. Exactly. केम टू कनाडा कि मुझे एक स्किल डेवलप करके अपनी लाइफ बनानी है। बिल्कुल। इसीलिए कहते हैं कि आपकी जो कंपनी होती है ना, द पीपल that are around you, जो आपकी कंपनी होती है, the people you spend your most time with, you are basically average of those. ठीक है? अगर आप ट्रकिंग में हो ना, चार लोग ट्रकिंग की बात कर रहे हैं तो पांचवा भी इंटरेस्ट ले ही लेगा कि यार ये पैसे बहुत छाप रहे हैं तो मैं भी यही करूंगा, मैं भी कर लेता। ठीक है, चाहे तो बंदा आईटी में बैठा है ये तो है, ये तो है। वो सोचेगा यार इनकी लाइफ तो बेटर है, एक तो ये अलग अलग कंट्रीज घूम के आते हैं, घूम रहे, हाँ, अलग अलग चीजें देखते हैं, है ना, सारा दिन घूमना होता है, पैसे ये भी अच्छे बना रहे हैं, मैं सारा दिन कंप्यूटर के आगे बैठा झक मारता या मुझे जॉब नहीं मिल रही मेरी फील्ड की, तो व्हाई शुड आई स्विच टू। बट वही मतलब वही है कि तुम्हारी कंपनी तुम्हें इन्फ्लुएंस करती है, यही चीज आइल्स में होती है। आने से पहले जो कहता है मेरी जी 5-5.5 बैंड से ज्यादा नहीं आएंगे, वो क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि साथ वाला जो बैठा है वो कह रहा है यार लिसनिंग बड़ी टफ थी इस बार, तो इस बार नहीं आएंगे बैंड्स, तो आप ऑटोमेटिकली ये रजिस्टर करोगे कि नहीं 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 ये टेस्ट है ही बड़ा टफ, मेरे से होना ही नहीं है, होना ही नहीं है, है ना। जब पहले से दिमाग को फीड कर दिए ना, तो दिमाग हर कोई चीज जब पढ़ेगा ना, वो यही पढ़ेगा यार ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे से नहीं होना, दैट्स ट्रू, है ना। इसीलिए जो बैक बेंचर्स होते हैं क्लासेस में और जो फ्रंट बेंचर्स होते हैं उनका हमेशा फर्क रहता है। इट डिपेंड्स कि आप बैक बेंचर्स के साथ बैठ रहे हो या फ्रंट बेंचर्स के साथ बैठ रहे हो, उसी हिसाब से आपके ग्रेड्स आ जाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है भाजी, बिल्कुल सही बात, उसी पे बात आ जाती है। मैं लिटरली जब पीटरबरो में था तो मुझे ये चीज समझ में आई कि कितना ज्यादा डिफरेंस है कल्चर का, चीजों का, लाइक वहाँ पे पेट्रोल का रेट कितना कम है, वहाँ पे इंश्योरेंस कितनी कम है, सोसाइटी कितनी अच्छी, मतलब कैनेडियंस के साथ रह के आप कितना कुछ अलग सीखते हो, कितना कुछ अलग सीखते हो जो एक्चुअली में आपको बहुत हेल्प करता है। मैं वही जॉब की बात बता रहा था जो मुझे फर्स्ट, सुपरमार्केट करके सोबीज का नाम सुना होगा आपने, वहां पे मैं अपना रिज्यूमे देने गया था, मैंने इनिशियली वेंट टू पीटरबरो, वहां पे मुझे बुजुर्ग लेडी मिलती है, कैनेडियन लेडी, जो मेरे से आउट ऑफ रैंडमली बात करती है, मतलब यू आर फ्रॉम इंडिया ऐसे वैसे, और वो मुझे सजेस्ट करती है कि यहाँ पे बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, वहां पे यू कैन गो and apply for jobs. मैंने कहा which type of jobs? I didn't know कि हॉस्पिटल में भी सिक्योरिटी काम करती है, लेकिन वहाँ पे तुम्हारे जैसे बहुत अच्छे लोग हैं जो काम करते हैं, मतलब तुम्हारे से यंग यूथ है जो काम करते हैं, मेरे को पता ही नहीं था। मैं वहाँ गया और सरप्राइजिंगली मेरे घर से वो 7-8 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे था, एंड जैसे ही मैं गया ना सर, वहाँ पे मुझे पूछा ही नहीं कुछ, ये नहीं कि एजेंसी है कोई या ये है, किड़ी शिफ्ट लानी है, क्या करना है, ना जी ना, एक वो बताया, एक अच्छा सा इंटरव्यू लिया मेरा बंदे ने जो वहाँ का अकाउंट मैनेजर था। हाँ। कैसे एनवायरमेंट में काम कर लोगे, कोई पेशेंट अगर तुम्हें एग्रेसिव दिख रहा है क्या करोगे। मेरा बात करके ही वाज इम्प्रेस्ड दैट एटलीस्ट दिस गाय नो व्हाट ही इज डूइंग। अगले दिन से आई वाज आस्क्ड टू जॉइन। देयर इज नो कंपटीशन, देयर इज लेस कंपटीशन, इतने वहाँ पे लोग नहीं भरे हुए, तो तुम्हें जॉब भी आसानी से मिल जाती। अच्छा, इंडीड पे बहुत ज्यादा रिप्लाईज आपको आते हैं अगर आप किसी ऐसी जगह पे जाके अप्लाई करो। डेफिनेटली फर्क रहेगा ही रहेगा, बिकॉज यहाँ पे कंपटीशन कम है तो उतने चांसेस भी ब्राइट हैं। बिल्कुल, यहाँ पे रिज्यूमे का नंबर ही नहीं आएगा। जब ब्रैम्पटन में बैठे एक जॉब पे 1000 रिज्यूमे गए हैं यार, इतने में तो जो सामने बैठा है रिज्यूमे चेक कर रहा है वो बोर हो जाएगा। मैं कितने लोगों को एटीएस का मतलब नहीं पता। एटीएस, हाँ ठीक है, लोग एटीएस यूज कर लेते हैं बट मोस्ट ऑफ द टाइम, हाँ वैसे आधे से ज्यादा तो वही फिल्टर कर देगा ना, फिल्टर कर देगा आधे से ज्यादा तो। बट फिर भी इफ दे स्टिल हैव अ पाइल ऑफ रिज्यूमेस, आई हाईली डाउट कि कोई इतना एफर्ट भी डालेगा। यार अगर मुझे 20 भी निकल के आ गए 1000 में से, तो ये पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, 20-25 कौन देखे? कोई नहीं देखता है ना। और मेरे को एक बात बताओ भाजी, आप अप्लाई कर रहे हो एज अ सिक्योरिटी सुपरवाइजर, या मान लो आप बेल के किसी रिप्रेजेंटेटिव की जॉब अप्लाई कर रहे हो, तो क्या आप अपना रिज्यूमे एज अ लाइन को कहीं डाल दोगे? ये चीज बड़ी कॉमन है। इतने सारे मेरे दोस्त मैंने देखे हैं ढाबों पे, मतलब रेस्टोरेंट्स पे काम किया हुआ है और बनना चाहते हैं बेल के रिप्रेजेंटेटिव, एक ही रिज्यूमे हर जगह चिपकाए जा रहे हैं। भाई जॉब के हिसाब से रेज्यूमे चेंज होते हैं ब्रो। यार दिन दियां करता लेती यार, मैं 20 जॉब अप्लाई, रिप्लाई नहीं आता ब्रो। 20 जॉब के लिए डिस्क्रिप्शन तो पढ़ो उसका, क्या जॉब के लिए 20 रेज्यूमेस भी बनाने पड़ते हैं। बिल्कुल। एंड जैसे कि नहीं यार ब्रैम्पटन में तो रिप्लाईज ही नहीं आते, देखते ही नहीं है, कुछ नहीं होता, लिंक्डइन से फालतू है, बेकार है। चलो व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, आई थिंक वी शुड मेंशन कि अगर किसी को नहीं पता है एटीएस कैसे काम करता है, तो देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड JobScan। JobScan पे जाओगे, you wanna type in the comment section so that everybody know. हाँ, मैं I'll post afterwards, but अभी let me explain. तो JobScan पे जाओगे तो it's much easier. एक आप डालो कि आपने किस जॉब के लिए अप्लाई करना है और साथ में अपना रिज्यूमे अपलोड करो। It will give you a match कि what are the odds of you getting this job. और अगर वो मिसमैच दिखा रहा है कि ये जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से 10% मैच हो रहा है तो भूल जाओ, कुछ नहीं होगा until you find it going close to 80, 85, 90%। कुछ नहीं बनेगा आपका। 70% पे भी ट्राई नहीं करना, अप्लाई करना। तो अपना रिज्यूमे बार बार जितना आपको एडिट करना पड़े, जितना मॉडिफाई करना पड़े करो। आई थिंक ये टूल कुछ हद तक आपको फ्री भी देता है, बट इफ यू हैव टू स्पेंड लाइक फ्यू बक्स, 20-30 डॉलर करने भी पड़े, और वही अगर $40 आपका 2 महीने का टाइम बचा दे, इट्स वर्थ इट, राइट? अगर ऑन एन एवरेज इफ यू आर अर्निंग $100 अ मंथ अ डे, तो 2 महीने का वैसे ही 6000 बन गया, करेक्ट? अगर 2 महीने का टाइम आपका कट शॉर्ट हो रहा है जस्ट बिकॉज यू आर यूजिंग अ सॉफ्टवेयर दैट कैन हेल्प यू, यू शुड। और आज के टाइम में यार वैसे ही चीजें बहुत चेंज हो गई हैं, और मैनुअल लेबर नहीं करनी। ये अगर लेबर लग रही है किसी को, ये मैनुअल टाइप करना पड़ रहा है, ChatGPT पे चले जाओ। ChatGPT है, AI है, Jasper, इतनी सारी चीजें आ चुकी हैं। वहां पे जाओ, ये लिखो कि ये जॉब डिस्क्रिप्शन ये है मेरी, उसके हिसाब से आई एम ट्राइंग टू अप्लाई, प्लीज मेक मी अ रिज्यूमे, राइट? 2 मिनट में रिज्यूमे बन के आ जाएगा, उसको कॉपी पेस्ट करो। थोड़ा मतलब 100% कॉपी पेस्ट भी नहीं करना, बट थोड़ा मॉडिफाई करके यू कैन यूज इट। एटलीस्ट जॉब के साथ कुछ मैच हो रहा हो, ताकि कीवर्ड मैच हो पाए एटीएस में और कुछ बन सके। इट विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम, और रिज्यूमे हर बार हर जॉब के लिए नए बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल बनाने पड़ेंगे। यही को मेहनत शायद बच्चे करना नहीं चाहते और दे एक्सपेक्ट द सेम रिजल्ट। पर यार आजकल तो वैसे मतलब इजी हो गया ना, तो अब इस टाइम पे भी कोई बोले कि मैं एफर्ट्स नहीं डालना चाहता तो फिर तो किसी को ब्लेम नहीं कर सकते ना भाजी। फिर मैं तो फैक्ट्री च शिफ्ट आना रहा ना, मैनू की लोड है रिज्यूमे बनाने दी। एक हाउ तुम्हें लोड है, यू आर केपेबल इनफ टू स्कोर अ गुड जॉब, करेक्ट? तुम कनाडा आके नहीं बने हो सिर्फ वेयर हाउस में धक्के खाने के लिए। प्लीज गेट आउट ऑफ दैट मैट्रिक्स के सारे बंदे वेयरहाउस ये समहाउ ये ना हर किसी के माइंडसेट में शुरू से ही होता है। मतलब कोई आता है ना कनाडा तो ये माइंडसेट लेके आता है, यार पता है स्ट्रगल है तो थोड़ी स्ट्रगल तो होनी है, तो मैं अपने माइंड को ना पहले ही प्रिपेयर करके जा रहा हूँ, शिफ्टा लानी है ला लाके, कोई टेंशन नहीं। सो दैट माइंडसेट इज गोइंग टू हर्ट यू ओनली, नोबडी एल्स। और आज कल का टाइम थोड़ा चेंज हो रहा है, जैसे जैसे पीपल आर लर्निंग अबाउट द न्यू वेज टू मेक मनी, कुछ चीजें चेंज हो रही हैं। जैसे यू विल सी कि लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने फ्रीलांसिंग पे शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। एक तो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो या आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ आवर्स, जो 20 आवर्स की रिस्ट्रिक्शन होती है दैट इज गॉन। इसलिए यू कैन वर्क एज मेनी आवर्स यू वांट। आई रिमेम्बर शुरू में जब मैं नया आया था ना तो आई टुक एन उबर, और उस टाइम पे गुजराती था जो ड्राइवर था उसका, तो हम वैसे ही चैट करने लग गए। तो आई आस्क्ड हिम कि ये कब से क्या सीन है उबर का। कह रहा है कि मैं स्टूडेंट हूँ और उबर में ना आवर्स नहीं होते, तो मैंने तो ये चलानी शुरू कर दी है, जितने घंटे मर्जी काम करेगा। सो यू डोंट हैव टू ड्राइव उबर, बट जस्ट एज एन एग्जाम्पल कि यू ऑल्सो हैव द ऑप्शन कि इफ यू आर डूइंग समथिंग जो सिन पे रिक्वायर्ड नहीं है आपको करना, यू कैन वर्क फॉर एज मेनी आवर्स यू वांट। आप इफ यू कैन एडिट गुड वीडियोस, यू कैन अप्लाई समवेयर एज अ फ्रीलांसर, जॉब कर सकते हो। इंडिया से जॉब करेगा, कोई ऐसी जॉब है आपके पास वहां पे कर रहे हो, जस्ट टॉक टू एम्प्लॉयर कि मैं स्टडी करने जा रहा हूँ बट आई कैन स्टिल मैनेज द वर्क, तो अगर इफ यू अलाउ आई कैन वर्क रिमोटली, बिल्कुल जितने घंटे मर्जी काम करियो, कोई रोकने वाला नहीं है, यू कैन कीप वर्किंग। सिमिलरली फ्रीलांसिंग वेबसाइट, शायद मैंने पहले कभी मेंशन करी हो, नहीं तो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो। वेबसाइट्स लाइक फाइवर, अपवर्क, सारी इट वर्क, दे वर्क राइट, freelancing.com। ये मतलब से तो मुझे खुद से इतने सारे काम आए हैं, इतने सारे क्लाइंट्स के मैंने शॉर्ट वीडियोस, यूट्यूब रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स एडिट करके दिए हैं। इट्स नाइस एंड यू गेट टू नो लॉट ऑफ पीपल। मेरी एक अच्छी आदत है कि व्हेनेवर आई फाइंड सम क्लाइंट आई ट्राई टू मेक कनेक्शन विद देम, क्योंकि वो मुझे आगे एक नया क्लाइंट देंगे। डेफिनेटली नेटवर्किंग, यहाँ पे हम जॉब के लिए यूज कर रहे हैं, वहां पे बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं। एग्जैक्टली, और ये चीज इतना टाइम सेव करने में हेल्प करती है, क्योंकि डायरेक्टली आप फिर अब आप देखो ना, आपको अपवर्क या ऐसी साइट पे अपना काम पेश करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिंक्डइन पे आप आ चुके हो उनके साथ, उनके रडार में आप घूम रहे हो। सो नेक्स्ट टाइम दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मेक सम वीडियो, तो वो आपको याद करेंगे। डेफिनेटली इफ यू हैव डन योर जॉब वेल, अगर आपको अच्छी खासी रेटिंग वैसे भी मिली हुई है और आपका काम किसी को पसंद आ रहा है, तो नेक्स्ट टाइम से वो क्लाइंट आपका पक्का हो गया। हाँ जी, दे विल कम बैक टू यू। तो ये सब चीजें लोग कर सकते हैं, बट देन अगेन ये सब चीजों के लिए ना यू रिक्वायर अ स्किल, एंड यू कैन एक्वायर अ स्किल। आई रिमेम्बर मैं किसी की वीडियो देख रहा था, तो आई डिडंट अग्री विद व्हाट दे वर सेइंग, बट इट वाज सम अनदर इन्फ्लुएंसर। उनका कहना था कि अब कनाडा आ रहे हो, अब 2-4 महीने में तो कुछ सीख नहीं सकोगे, तो ऐश करो, आने से पहले क्या करोगे, अब 2-4 महीने में कुछ सीखने से okay. 2-4 महीने में कुछ छोटा सा स्किल सीख सकते हो आप। इट्स नॉट ट्रू कि 2-4 महीने इज नॉट सफिशिएंट, यू कैन डेफिनेटली लर्न समथिंग और वो यूटिलाइज कर सकते हो। यार 2 महीने में वीडियो एडिटिंग सीखनी हो तो इज इट नॉट एनफ टाइम? बहुत ज्यादा टाइम है, यू कैन अप्लाई। मेरे को इससे याद आया, मेरी एक फ्रेंड मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी एंड शी हैड अ वेरी गुड स्किल इन टीचिंग, आके वो वेयर हाउस में काम कर रही है। मैंने उसको सिर्फ इतना सा सजेशन दिया कि प्लीज एटलीस्ट ट्राई टू पिच सम पीपल, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, दे आर ट्राइंग टू टीच देयर चिल्ड्रन पंजाबी। डेफिनेटली बहुत इट इज वेरी पॉपुलर थिंग कि पंजाबी, हिंदी जो इंडिया से है ना लोग, जो जिनके यहाँ पे बच्चे कैनेडियन बॉर्न है, दे रियली वांट देम टू लर्न देयर लैंग्वेज राइट। तो वो हिंदी पंजाबी के लिए स्कूल्स में भी दे प्रेफर कि वैसे स्कूल में चले जाएं जहाँ पे सीख सके, या फिर प्राइवेट क्लासेस में भी दे एक्चुअली हायर पीपल एंड जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव टाइम टू टीच देयर चिल्ड्रन। उसने मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, मैं एटलीस्ट गो उनके घर पे जा या उनको कॉल कर, तेरे पास उनका नंबर है। उसने करा ट्राई, 2-3 जगह ट्राई करा, बात नहीं बनी। थोड़े बाद टाइम बाद जाके उसको एक जगह से आया कि आप गुरमुखी पंजाबी जानते हो, बिल्कुल स्क्रैच से, जो मतलब प्रॉपर पंजाबी। हाँ जानती हूँ, आप करा पाओगे मेरे बच्चों को, मेरे 3 बच्चे हैं। हाँ, अब उसने पहले वो घर जाती थी और अब वो ऑनलाइन उनको पढ़ाती है, एंड शी इज अर्निंग गुड मनी। एग्जैक्टली। और ये सब चीजें आप, सो लेट्स से इफ यू वर अ टीचर, कोई देख रहा है ऐसा जो आप इंडिया से जब आए, यू वर टीचिंग, नॉट जस्ट कि आप यहाँ पे फिजिकली किसी को सिंध पे पढ़ा सकते हो, देयर आर ऑल्सो वेबसाइट्स। अगर आप जस्ट सर्च ऑनलाइन टीचिंग, यू विल फाइंड tons of results, websites है, you just sign up as a teacher. Actually, if you have a skill, आप maths अच्छा पढ़ा सकते हो, आप English अच्छी पढ़ा सकते हो, science पढ़ा सकते हो, कुछ भी। There is demand for every single thing. बिल्कुल, people बिल्कुल. are looking for those skills. So if you have a skill, तो आपको यहाँ पे warehouse में या सारा दिन बसों में धक्के खाने की जरूरत है। That also involves, क्योंकि Canada का transportation system ऐसा है कि एक जगह से दूसरी जगह, जहाँ पे गाड़ी में बंदा 15 मिनट में पहुंचता है, बस 1.5 घंटा लगा देती है कई कई जगह पे। That's true. ठीक है, वो 3 घंटे तो वेस्ट ही है ना। वो 3 घंटे में यू कुड बी अर्निंग समथिंग, और वो भी घर पे बैठे बैठे। I still remember when I was in Peterborough, there was this gentleman who told me एक ऐप है, this is called Rover. तो इसको यूज करके आप साइन इन कर सकते हो। कुछ $20 का आपका बैकग्राउंड क्रिमिनल असेसमेंट होता है, एंड यू कैन पिक शिफ्ट फॉर डॉग वॉकिंग। हाँ, करेक्ट। आपको $21 एन आवर इस पे पे करते हैं वो। सी तो $21 पर आवर और 3 कुत्ते या 2 कुत्ते, इफ यू आर अ डॉग फ्रेंडली पर्सन, हाउ इजीली कैन यू अर्न? यू कैन एक्चुअली। और एक नहीं है भी, हम ठीक है, हम वो बातें कर रहे हैं जो हमारे दिमाग में अभी घूम रहा है, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट, बट देयर आर थिंग्स दैट यू कैन डू। आपको घर से बाहर भी निकलने की जरूरत नहीं है, बट देन अगेन किसी की ये बात पे नहीं जाना कि यार अब 2 महीने में तो क्या ही सीखोगे। 2 महीने में इतना सीख सकते हो कि अगला पूरा 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितनी भी स्टडी है उस टाइम में आपको स्ट्रगल ना करना पड़े। वो 2 महीने में सीखा हुआ स्किल कैन हेल्प यू अलॉट। 2 महीने में क्रैश कोर्स करना है यार, और कुछ नहीं, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख के यार 2 महीने का क्रैश कोर्स कर लो। गूगल एड चलानी है, वो क्रैश कोर्स कर लो। फेसबुक एड, गूगल एड, वेरी यूजफुल। ये इतने छोटे छोटे क्रैश कोर्सेज हैं वहां पे। ठीक है, इफ यू कैन लर्न समथिंग विद इन दोस 2-3 मंथ्स, जो आपके पास बफर टाइम है, ये नहीं सोचो कि ठीक है कनाडा जाके कर लेंगे, बाकी दुनिया भी तो किस रही है, हम भी किस लेंगे। वो एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। 2 महीने में जो मैं सीख सकता हूँ, वो मेरी लाइफ कनाडा जाके इजी कर देगा। बट इफ आई चूज की नहीं, ठीक है यार जाके देख लेंगे, होता रहेगा। फिर यही होता है, फिर साल बाद बंदा सोचेगा सुबह मैं कॉलेज जाऊं, शाम को आगे खाना भी बनाऊं, फिर उसके बाद काम मेरा शुरू हो जाता है, कॉलेज, काम, ये सारी चीजें जगल करते, टेंशन, एंजाइटी। उसको कोई देख के वीडियो बना देगा इंस्टाग्राम पे कि देखो कनाडा में बच्चों का हाल, सताए हुए बच्चे, बड़ी बड़ी लाइनों में लगे हुए बच्चे, जॉब है नहीं। एग्जैक्टली। भाई जॉब तो बाकी जगह पे भी है, वहां जाके देखो तो सही। मतलब यू कैन ऐड समथिंग। मैं अपनी वीडियोस में ट्राई करता हूँ लोगों को ये चीज बताने की कि देयर शुड बी समथिंग जो आपको हाईलाइट कर सके। ठीक है, हेस्टैक तो बहुत पड़ा है, यू हैव टू बी दैट नीडल। ठीक है, फिर भी कुछ चांस है, नीडल हेस्टैक में मिलनी बहुत मुश्किल है, करेक्ट, बट हेस्टैक में नीडल फिर भी मिल जाएगी। पूरा ही हेस्टैक है तो उसमें आपको ढूंढना तो इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल कि कौन सा क्या पिक करना है। एवरीथिंग इज काइंड ऑफ सिमिलर। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है। जब हर कोई आ रहा है कि मुझे वेयर हाउस में ही घुसना है, वहीं पे काम करना है, तो वहां पे तो दुनिया भरी पड़ी है। कुछ थोड़ा सा अलग स्किल डेवलप करके आओ। 2 महीने है, 1 महीना है, कुछ सीख लोगे यार, डेफिनेटली सीख के आओ। एटलीस्ट यहाँ पे लाइफ इजी हो जाए, नहीं तो फिर हमारी तरफ से भी टाटा बाय बाय है। 4 नंबर बस पकड़ते सारी जिंदगी निकल जाएगी। लाइक सीरियसली फिर हम भी आपकी वीडियोस देखेंगे कि मैं कनाडा छोड़ के आ गया, फिर हमारी तरफ से भी बाय है। हाँ सीरियसली, फिर लास्ट में यही बहुत मैंने सोचा, और अब मैं कनाडा छोड़ के जा रही हूँ यार, सब कुछ था बट मजा नहीं आ रहा, यहाँ पे वही है। लाइक सीरियसली मेरे को एक चीज याद आई, जब मैं कनाडा आया था, एक लेडी मुझे मिली थी, नर्स थी हॉस्पिटल में, इंडियन थी, गुजराती थी वो। Now again, I'm not discouraging any kind of community here, but उनका रुझाव कुछ ऐसा था कि कोई कुछ नहीं है यहाँ पे, मतलब मैं और मेरा हस्बैंड मॉर्गेजेस ही भर रहे हैं, वो वेयर हाउस में ही काम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे इस टाइम नहीं पता था कि वेयर हाउस में भी इतने साल, मैं क्या कितने टाइम से, कहते 8 साल से वो वेयर हाउस में काम कर रहे हैं। मैं क्या 8 साल से, क्यों? कहते वो जॉब सिक्योरिटी है ना, तो इसलिए। मैंने कहा तो 8 साल से वेयर हाउस में काम कर रहे हैं, अब घर के लिए पैसे नहीं है, तो आप ऑब्वियसली परेशान तो हो गए ना। हो गए, राइट। क्या उन्होंने कभी कोई और ऑप्शन ट्राई करने की सोची है? एंड आई पर्सनली थिंक पाजी कि ये इकोनॉमी इतनी फॉरगिविंग है कि एनी डे यू कैन स्टार्ट, लाइक किसी भी दिन आप शुरू कर सकते हो एंड यू कैन अप्लाई, ट्राई अगेन। मतलब हिट एंड ट्रायल के इतने चांसेस आपको यहाँ मिलते हैं ना कि आप कहीं और नहीं कर सकते। ये चीज मैंने देखी है। और चीज बताऊं, इंटरेस्ट की बात होती है। सो रिसेंटली आई हैव बीन वाचिंग वीडियोस, तो एक देयर इज अ गाय, कैनेडियन, 20 इयर्स ओल्ड कैनेडियन है, ठीक है। उसने ई बुक्स लिखनी शुरू करी चैट जीपीटी से। अच्छा, चैट जीपीटी से ई बुक्स लिखनी शुरू करी। बंदे का माइंड क्रिएटिव था कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। उसने कुछ जुगाड़ लगाए, मल्टीपल ई बुक्स बना के, बंडल बना के सेल करना शुरू करा। सिंगल बुक्स नहीं कहता बेचूंगा, ओके, ठीक है। एज ऑफ नाउ व्हाट ही मेंशन्ड इन हिज यूट्यूब वीडियो, ही इज मेकिंग 200,000 पर मंथ, ठीक है। और यहाँ पे बैठे लोग, अच्छी अच्छी जॉब पे भी बैठोगे, कोई इक्का दुक्का कोई ऐसा निकलेगा जो बोलेगा मेरी 2 लाख साल की जॉब है, लेट अलोन की 2 लाख महीने कमा रहा है, ठीक है। वो माइंडसेट चाहिए कि मुझे हटके कुछ करना है। एग्जैक्टली और उस माइंडसेट में जो आने वाले हैं उनके लिए ये भी ऐड करना बहुत जरूरी है कि GTA के बाहर भी दुनिया एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। द सेम थिंग आई मेंशन्ड अबाउट द गाय जो $1,800 पे करने को रेडी था लेकिन इंग्लिश में बात करने को रेडी नहीं था। माइंडसेट वही कहता है कि यार असी क्यों ट्राई करिए इंग्लिश से गल करने दी, ये तो ब्रैम्पटन है तो हम तो पंजाबी में बात करेंगे। हाँ, या हिंदी में। हर कोई पंजाबी में बात कर रहा है, तो इट्स इजियर फॉर मी। और यही बात है कि नाउ यू आर इन अ कम्युनिटी वेयर यू फील देयर इज नो नीड फॉर मी टू स्पीक इन एनी अदर लैंग्वेज देन पंजाबी। बिल्कुल। धीरे धीरे जो बोलते हो उससे भी जाओगे, और जो लोग आएंगे जिनको वैसे ही पंजाबी नहीं आती, वो भी आएंगे, वो भी यहीं पे आके बैठेंगे। So you have no skill now. आप भी पंजाबी बोल रहे हो, the person standing next to you is also पंजाबी बोल रहा है। और डिफरेंस, क्योंकि जॉब भी वैसी है, you would say कि मैं तो इथे आके पढ़ाई की है जी, okay, but the person next to you 10+2 करके आया, but you are at the same level. आपा भी दिहाड़ियां, इथे भी दिहाड़ियां, ठीक है, दोनों जगह पे वही काम हो रहा है। वेयर हाउस की जॉब है तो वेयर हाउस की जॉब ही चल रही है, विच डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ टैलेंट और स्किल। सो फॉर देम देयर इज नो डिफरेंस, यू और द पर्सन नेक्स्ट टू यू, दे इट्स प्रीटी मच द सेम थिंग, दे डोंट केयर अबाउट यू। दैट्स वेरी ट्रू। और इस चीज से भी मतलब मैंने कुछ ऐसे लोग देखे हैं जो, अगेन नॉट टारगेटिंग एनी कम्युनिटी, बट ठीक है यार आपको इंग्लिश नहीं आती, सब कुछ ठीक है, सम हाउ यू गेट टू द पॉइंट वेयर यू आर गेटिंग योर पीआर, आप पीआर हो गए, ठीक है। यार पीआर होने का मतलब ये है कि आपका, अब आप इंडिया नहीं जा सकते, अब आप चिल यहाँ पे रह सकते हो। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप प्रेसिडेंट बन गए, राइट। अब पीआर होने का मतलब, लोगों को शायद यहाँ पे ऐसा लगता है कि हम पता नहीं कौन सी तोप बन गए, कि हम तो मतलब शायद अंग्रेजी बन गए, है ना। उन्हें ये नहीं पता कि सिटीजन भी हमारे साथ काम कर रहे हैं यहाँ पे 17 NR पे और 21 NR पे। इफ True. They are not feeling the same. How can you feel so proud? मतलब ठीक है, proud करो यार, अपना struggle है। I really appreciate हर बंदे का struggle. But at least एक सादगी भी होनी चाहिए, और एक वैसी skill तो रखो अपने पास जो तुम्हारा ब्रह्मास्त्र हो, जो तुम्हें मार्केट में रिकॉग्निशन दे। करेक्ट। ये थोड़ी ट्रू पीआर। अच्छा, मेरे साथ एक सिटीजन लड़की काम करती थी, पंजाबी लड़की थी, नहीं गुजराती लड़की थी। शी वॉज डूइंग डबल शिफ्ट, सुबह चेक्स पे काम करती थी और शाम को वेयर हाउस में आके काम कर रही थी। तो वॉट डिफरेंस this PR or citizen is creating? कुछ नहीं है, it's the same thing, because once you get into something और आप वही कंटिन्यू करी जा रहे हो, कुछ आपने करा ही नहीं अलग, तो वही लाइफ है। सुंदर सा और वही सब मिल गया, तुम्हें वोट करने का हक मिल गया, बट क्या ये तो इंडिया में ही था ना। लाइफ थोड़ी ना चेंज हुई, लाइफ थोड़ी ना चेंज हुई। exactly. और एक चीज से पाजी मेरे को इतनी दिक्कत आई ना जब मैं कनाडा आया, ये इस चीज को बोलते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट, आपने अगर सुना होगा, कि अगर आपने मुझे ये बोला है कि यार चिंत्या टिम हॉर्टन्स पे ना हायर नहीं कर रहे क्योंकि आपका दोस्त वहां पे गया था, आपके दोस्त ने वहां पे अप्लाई करा था, तो आपको उसने बताया कि टिम हॉर्टन्स पे हायर नहीं कर रहे, तो मैं मान लूंगा कि हाँ पाजी हरमन पाजी सही कह रहे हैं, शायद नहीं हायर कर रहे, मैं खुद नहीं जाऊंगा। ये इतना चलता है यहाँ पे कि आप किसी को ऐसे इन्फ्लुएंस कर दो, ब्रो कैनेडियन टायर पे ना नहीं हायर कर रहे, ब्रो मेरी फ्रेंड गई थी, मेरा फ्रेंड गया था, उसको तो रखा ही नहीं, मैं मान लूंगा हाँ शायद हरमन पाजी सही बोल रहा है क्योंकि मेरे एफर्ट बचे ना, मैं क्यों जाऊँ, सही बात, मैं क्यों जाऊँ, पाजी ने बोल दिया तो ठीक है। ओ भाई जाके देखो, वो इंसान अलग है जिसको हायर नहीं किया, तुम अलग हो, तुम्हें रखेंगे। करेक्ट करेक्ट, बट ठीक है, हर एक का अपना अपना माइंडसेट है, यू कांट कन्विंस एवरीवन। एग्जैक्टली, आई विश ये और ऑडियंस को ये चीजें थोड़ी समझ में आती हैं, और जो नहीं कर रहे वो ट्राई करते, मतलब अब सबकी लाइफ अपने हाथ में है, वो तो जो जिसको जो करना है वैसे ही करेगा, बट एटलीस्ट मी एज अ स्टूडेंट आई वुड वांट एवरी स्टूडेंट टू एटलीस्ट डू समथिंग जो आगे जाके उनको रिग्रेट ना करना पड़े कि यार स्टूडेंट फेस में ऐसा कर लिया होता। तो ये चीज तो है, बट आप मुझे एक चीज ये बताओ बाजी कि व्हाट वुड यू सजेस्ट टू अ स्टूडेंट जो इंडिया से फाइनेंशियली फ्री, मतलब फाइनेंशियली उसका बैकअप इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, सब कुछ बेच के वो कनाडा आ रहा है या आ रही है, व्हाट वुड यू सजेस्ट टू हिम और हर कि यहाँ पे आके पहला स्टेप वो क्या ऐसा करे कि एटलीस्ट वो अपने लिए फाइनेंशियली स्टेबल हो सके। चलो ये छोटी जल्दी मैं बाद निपटाऊंगा क्योंकि आई थिंक वैसे ही हमारा काफी लंबा सेशन चला गया है, बिल्कुल निकलती जाती है। बट अभी जो कोई आता है ना इंडिया से, सबसे पहला उनका कंसर्न होता है कि मेरी पीआर कैसे होगी। ठीक है, पहले तो ये सोच के आओ कि मेरा फोकस पीआर है, नॉट कि मैंने अपने फ्रेंड के पास आया। तो दैट ऑल्सो मीन्स कि अगर बेचने पे ही सारी चीज की बात आ रही है, हाँ जी, तो रादर देन सेलिंग एवरीथिंग, ओनली सेल अ पोर्शन ऑफ इट। दैट मींस पिक अ कॉलेज जो मेट्रो में नहीं है, जो ब्रैम्पटन या सरी में नहीं है, आउटसाइड ऑफ हियर, आप न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कोशिया कोई देख लो, यू विल फाइंड कॉलेजेस जहां पे फी इज एज लो एज $7,000 अ ईयर। ठीक है, दैट then you are only selling a portion of your land and not the entire land. ठीक है, yes. और फिर उसके बाद second option is कि ये सारे छोटे provinces हैं, they also give you an option जहाँ पे आप PR apply कर सकते हो easily. ठीक है, उनकी PNP के अंदर just because you have studied and you are trying to work there are better odds of you getting your PR there with PNP किसी तरह की और भी कोई ना कोई प्रोग्राम के अंदर बहुत तरीके के आ सकते हैं। एंड बिफोर यू कम ट्राई टू लर्न समथिंग, ये छोड़ के नहीं आओ कि ठीक है 2-4 महीने अब ऐश कर लेता हूँ। ऐश करो यार, मतलब ऐसा कौन सा बंदा है जो सुबह से शुरू होता है और रात तक कुछ ना कुछ लगा ही रहता है? नोबडी डज दैट, राइट? 2-3 घंटे की क्लास ज्वाइन कर लोगे ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर, बिल्कुल इतना ही होगा ना, बिल्कुल। तो 2-3 घंटे अगर You have to spend those hours, spend those. उसके बाद बाकी सारा दिन ऐश करने के लिए है। But make it a thing कि मुझे ये कुछ सीखना है। If I have to learn something, I have to put in some efforts, ताकि जो लैंड का पीस बिका है ना, वो मैं वापस भी लेके आ सकूं। और बिल्कुल सही बात भी आएगा जब मेरे पास इतना अर्निंग पोटेंशियल होगा। बिल्कुल। और अगर रैंडम जॉब्स करनी है, सुबह निकल गए रात को आ गए, तो उससे तो कुछ नहीं बनेगा। सो देयर शुड बी समथिंग यू शुड लर्न समथिंग जो आपको प्रोटेक्ट कर सके एक्चुअली, ताकि इस इकोनॉमी में आपको सफर ना करना पड़े। और अगर स्टैट्स की बात करें तो पिछले साल यार 9 लाख स्टूडेंट आया है, तो इट इज ह्यूज, इतना बड़ा अमाउंट है। जब तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि मुझे प्रायोरिटी कोई देगा? उनके लिए तो देयर्स अनदर पर्सन हु इज विलिंग टू डू दिस जॉब फॉर अ लाइफ टाइम, ऑब्वियसली, राइट? तो आई थिंक वी शुड रैप इट अप, दैट इज ऑल आई वांटेड टू टेल। क्वेश्चन, देयर इज अ क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन व्हिच इज is, there's a question by Meet Chauhan. Off topic. Hi, I have graduated from Conestoga College in April, looking for an IT job for the last 4 months. Should I change province just for the sake of PR and do a random job, or should I join any consultancy who allegedly provides IT jobs? What are your thoughts? Yeah, मेरा ख्याल तो यही है कि कुछ एजेंसीज को ट्राई करना चाहिए जो स्पेसिफिकली हेल्प करती है IT जॉब्स में, बिकॉज एक तो IT जॉब्स में हर जगह पे चांसेस मिलते हैं आजकल. टेक ड्रॉज आ रहे हैं स्पेसिफिकली IT वाले लोगों को टारगेट करते हैं. ठीक है, यू माइट बी स्ट्रगलिंग बट ट्राई टू फाइंड द रीजन कि क्या स्ट्रगल का रीजन क्या है. एक, रिज्यूमे कैसा है आपका, सेकेंड, नेटवर्किंग कैसी है आपकी, थर्ड, अप्लाई कहाँ कर रहे हो. फॉर IT जॉब्स आई हैव सीन की monster.com इज वेरी इफेक्टिव. monster.com, इंडीड मी मॉन्स्टर. तो इंडीड पे जो अप्लाई कर रहे हो ट्राई मॉन्स्टर ऑल्सो और ट्राई टू मैच योर रिज्यूमे विद द जॉब प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन, ताकि आपको चांसेस मिल सके. हाँ जी. That's what I have to add. आपके कुछ सजेशन है तो? मतलब मैं तो यही कहूंगा कि LinkedIn पे जाके रिक्रूटिंग मैनेजर जितने भी होते हैं. Correct. LinkedIn is also an option. मतलब definitely LinkedIn is a good option, but I'm not a LinkedIn person. You're not. I am a LinkedIn person. Like seriously, I have met many people on LinkedIn जो recruiters हैं, जो ये recruit करते हैं, और ऐसे बेशर्मों की तरह मैंने मैसेज किए हुए कि भाई मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, मुझे बताओ क्या सीन है. And 2-3 of them, they have replied back. कोई ना कोई तो रिप्लाई कर ही देगा. मतलब if you are concerned about कि यार अगला मेरे बारे में क्या सोचेगा, अगला बंदा आपके बारे में तभी सोचेगा if you know them. ठीक है, मैं बोलूं कि ये मेरे साथ ना, there's a guy next to me, रंजीत खड़ा है कोई, he is thinking कि आप ऐसे हो. How do you care? You don't know रंजीत, राइट? रंजीत को भी नहीं पता आप कौन हो. ठीक है, तो until you meet them personally कोई फर्क नहीं पड़ता. So keep applying. क्या फर्क पड़ जाएगा? और ये ना हम लोगों को थोड़ी आदत है कि yes ही होना चाहिए, no आ जाए तो पता नहीं क्या ईगो पे ही आ जाता है कि no किसी ने करके दे दी. ये तो है यार, अप्लाई करो, खुल के अप्लाई करो. इफ यू फाइंड समथिंग IT सेक्टर में तो गिव इट सम टाइम, बट अगर आ रहा है कि नौबत हो ही रही है कि कुछ नहीं बन रहा, फिर कंसीडर इट लास्ट ऑप्शन की ठीक है कहीं और मूव करके रैंडम जॉब कर लो. बट बिल्कुल, I have one suggestion for Meet Chauhan. He's saying I have had few interviews but haven't converted so far. Any consultancy which you might have heard of? Bro, I am not a specialist in the field of recruiting and anything, or मतलब अभी तो मैंने भी जॉब इंडस्ट्री में जस्ट जंप किया ही है. बट व्हाट आई कैन सजेस्ट यू इज दैट try to contact people who are already in the field. और ये सिर्फ LinkedIn पे as a coffee chat start करके या as a उनको direct DM करके हो सकता है. You can directly DM them, ask them आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो. अगर 15 मिनट का सेशन हम कर सके तो, और बहुत लोग रिप्लाई करेंगे, बहुत लोग देखेंगे भी नहीं. So be prepared for that, but it will eventually put you in a situation जहाँ पे you will get to know some people, और वहाँ से बहुत कुछ हो सकता है. Correct. तो I think that is enough for today. क्या ख्याल है? Yes Paji, that is enough for. बहुत rant हो गया कनाडा के बारे में, as a student perspective and as a citizen perspective. मतलब आपका citizen perspective तो मुझे और भी बहुत ज़्यादा कुछ जानना है, because there's a lot that's to be learned. There's always something to learn and there's always something actually to discuss. But ये सेशन हमने बहुत लंबा खींचा है. I hope everybody जिसने भी सुना होगा उसको कुछ समझ में आएगा, नहीं अभी आएगा तो it's okay. But guys, I would request everybody to follow Paji page, and आपके followers को मुझे बोलना, मुझे follow करेंगे ताकि हमारा definitely दोनों तरफ से चाहिए कि obviously हमारी if we are two people, different people, तो हम दोनों का content भी अलग होगा, but there would always be something बिल्कुल जो आप learn कर सकते हो. तो you should definitely follow both of us, not just कि मेरे लिए, बट अगर आपका स्टूडेंट लाइफ है तो यू शुड फॉलो. मैं अचिंत्य नहीं बोलता हूँ, मैं मिश्रा जी बोलता हूँ. मिश्रा जी को जरूर फॉलो करो. फॉर एड्रेसिंग मिश्रा जी, क्योंकि यही मुझे लोग बोलते हैं मिश्रा जी. मुझे एक्चुअली आज तक मेरे नाम से किसने, मुझे कैनेडियंस में मिश्रा बुलाते हैं. मिश्रा, they never said अचिंत्य, so it's very hard to pronunciate, you know. So yeah, follow मिश्रा जी और check out his channel also. हाँ जी, और मिलते हैं फिर कभी. और बातें तो बहुत हैं, बहुत बहुत आज के लिए बातें। लेट्स डिस्कस समथिंग एल्स ऑन द नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीक फिर से बैठते हैं रेंट करने, थोड़ी सी सुनने सुनाने, और होपफुली नेक्स्ट टाइम वो थोड़ी और ऑडियंस में ज्वाइन करेगी होपफुली। तो विद दिस नोट गाइस, थैंक यू एवरीबॉडी हु हैज जॉइंड, हु हैज सीन, एंड जिन्होंने भी हाय बोली, हाय टू एवरीबॉडी। एंड वी आर सॉरी फॉर नॉट एड्रेसिंग जो क्वेश्चंस मिस हो गए बिकॉज थोड़ा सा टाइम बाउंडेशन है अभी। एंड with this note, yep, hope everybody is okay and take care of yourself and Shabbat. Take care everyone. Goodbye, Paji. Bye bye. See you soon.